वेलकम टू तलायस किचन। आई एम शेफ नम्रता और आज मैं आपके साथ एक हाईली रिक्वेस्टेड स्ट्रीट फूड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो नेपाल से ओरिजिनेटेड है पर इंडिया के हर गली में आज मिलती है। वो है मोमोज। मोमोज तो उसके चटनी के बिना अधूरे हैं, तो मैं आज आपके साथ मोमोज की रेड हॉट स्पाइसी चटनी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। मोमोज बनाते वक्त सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो होता है उसका शेपिंग। सो मैं आज आपको मोमोज के तीन सिंपल और कॉमन शेप सिखाने वाली हूँ जिसे आप घर पर आसानी से मोमोज बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ चटनी फर्स्ट।
मोमो का कवरिंग रेडी है। इसके सेंटर में एक टेबलस्पून हम स्टफिंग डाल देंगे। अब आपके थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से स्टार्टिंग में दोनों एजेस को पिंच कर लें। अब मैंने दूसरे हाथ के हेल्प से एक प्लीट बना लिया है और उसको भी पिंच कर दिया। अब आप दूसरा प्लीट करने से पहले एक और बार पिंच करके फिर प्लीट बनाएं। इसी तरह से आपको ये प्लीटिंग प्रोसेस एंड तक करना है। याद रखें कि एजेस को अच्छे से पिंच करके सील कर ले ताकि आपके मोमो स्टीमिंग के टाइम खुले नहीं, और आपका एक क्रेसेंट शेप मोमो रेडी है। अब इसी तरह से हम बाकी मोमोस को भी शेप कर लेंगे। क्रेसेंट शेप के मोमोज को मैंने स्टीम करने रख दिया है। जब तक ये मोमोज स्टीम हो रहे हैं, तब तक हम मोमोज के और दो शेप्स बनाना सीख लेते हैं। मैंने फिर से एक मोमो का कवरिंग लिया है, उसमें एक टेबलस्पून स्टफिंग डाल दिया है। अब हम एक साइड को दूसरी साइड पे कवर करके अच्छे से एजेस को सील कर लेंगे ताकि उसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। अच्छे से एजेस सील हो गए हैं और करंजी का शेप फॉर्म हुआ है। अब हम दोनों एजेस को लेके एक के ऊपर एक रख के पिंच कर लेंगे और अपना क्यूट सा वॉन्टन मोमोस रेडी है। वॉन्टन शेप मोमो रेडी है। अब मैं ब्रेडेड मोमो शेप दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस फॉलो करके एक टफिंग लेना है और इंडेक्स फिंगर से बॉटम में एक फोल्ड कर लेंगे और दोनों एजेस को जोड़ के पिंच करें। अब इंडेक्स फिंगर के साइड से एक प्लीट बनाएं और थंब के साइड से एक प्लीट बनाएं। अब इसी तरह अल्टरनेटिवली इस प्लीटिंग प्रोसेस को एंड तक रिपीट करें और एंड में इसे पिंच करके सील कर दें। अब आप देख सकते हो ब्रेडेड मोमो शेप भी रेडी है। वॉन्टन और ब्रेडेड मोमो शेप बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप इसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली घर पर बना सकते हो। Enjoy this tempting momos with spicy momos chutney. I'm sure you're gonna love this. And do try this recipe and share your feedback with us. Till then, happy cooking.